यूपी चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद हर कोई यह जानना चाहता है कि विधानसभा की नई स्ट्रेंथ में किस जाति और धर्म का कितना प्रतिनिधित्व है, किस जाति के विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है, कितने मुस्लिम विधायक चुनकर आए हैं। आइए आपको सिलसिलेवार इसकी जानकारी देते हैं। नए विधायकों में एक बार फिर ब्राह्मणों का जलवा सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। संख्या बल की बात करें तो 46 ब्राह्मण विधायक भाजपा गठबंधन से जीते हैं, जबकि 5 सपा से और 1 कांग्रेस से, यानी कुल 52 ब्राह्मण विधायक विधानसभा पहुंचे हैं। इस बार यूपी में राजपूत विधायकों की संख्या घटी है। बीजेपी से 41 ठाकुर राजपूत विधायक जीते हैं, बीजेपी गठबंधन से 43 राजपूत विधायक जीते हैं, सपा से 4, बसपा से 1 और राजा भैया की पार्टी से अकेले राजा भैया जीते हैं। इस हिसाब से यूपी में कुल 49 ठाकुर विधायक जीते हैं। तीसरे नंबर पर जीतने वाली सबसे बड़ी संख्या कुर्मियों की रही। इसमें 27 बीजेपी गठबंधन से, 13 सपा गठबंधन से और 1 कांग्रेस पार्टी से हैं। कुल मिलाकर 41 कुर्मी जाति के विधायक सदन पहुंचे हैं। इस बार कुल 34 मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचे हैं। खास बात यह है कि इन सभी विधायकों को समाजवादी पार्टी से जीत मिली है। वहीं दलित विधायकों की बात करें तो दलित विधायकों की संख्या में बीजेपी सबसे आगे है। दलितों में इस बार बीजेपी ने फिर बाजी मारी है। खासकर चमार या जाटव से सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी से जीते हैं। 19 जाटव बीजेपी से विधायक चुनकर आए हैं, जबकि 10 समाजवादी पार्टी गठबंधन से। बसपा ने सबसे ज्यादा जाटवों का वोट पाया, लेकिन उनका एक भी विधायक नहीं जीता। दलित में जाटवों के बाद दूसरी सबसे बड़ी बिरादरी पासी है। यहाँ भी बीजेपी सबसे आगे रही। पासी समाज के 18 लोग बीजेपी से विधायक हुए हैं, जबकि 8 समाजवादी पार्टी से और 1 राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल से चुनकर आए। इस बार यादवों की कुल संख्या सदन में 27 है, जिसमें से 24 समाजवादी पार्टी से हैं और 3 बीजेपी से जीत कर आए हैं। बनिया और खत्री बिरादरी में बीजेपी का फिर जलवा रहा है। 22 में से 21 बीजेपी से जीते हैं, जबकि 1 समाजवादी पार्टी से जीत कर आए हैं। पिछली जाति में लोध एक बार फिर बीजेपी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। इस जाति में कुल 18 विधायक जीत कर सदन पहुंचे हैं, जिसमें से 15 बीजेपी से जीते हैं, जबकि 3 समाजवादी पार्टी से जीत कर आए हैं। वहीं अगर जाट विधायकों की बात करें तो ये जाट एक बार फिर बड़ी तादाद में जीत कर आए हैं। कुल 15 जाट विधायक सदन में इस बार पहुंचे हैं, जिनमें से 8 बीजेपी से तो 7 समाजवादी पार्टी गठबंधन से विधायक बने हैं। वहीं अगर गैर यादव ओबीसी में बीजेपी ने फिर से इस बार बाजी मारी है। यहां पर अगर बात करें तो मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी में बीजेपी ने 12 सीटें जीती हैं, जबकि समाजवादी गठबंधन को सिर्फ 2 सीटें मिली है। इसके अलावा जो दूसरी गैर यादव ओबीसी, उसमें भी बीजेपी सपा से काफी आगे दिख रही है। बीजेपी को 7 और समाजवादी पार्टी गठबंधन को 3 सीटें मिली हैं। निषाद, बिंद, कश्यप, मल्ला, इन जातियों में सबसे ज्यादा विधायक 6 बीजेपी गठबंधन से सदन में पहुंचे हैं, जबकि सपा की ओर से सिर्फ 2 विधायक चुनकर आए हैं। कलवार, तेली, सोनार जातियों की भी अगर हम बात करें तो बीजेपी सबसे ज्यादा 6 सीटें यहां पर जीतने में कामयाब रही है, जबकि 1 सीट पर समाजवादी पार्टी गठबंधन को विधायक मिला है। गुर्जर बिरादरी से बीजेपी के 5 जबकि सपा के 2 विधायक जीते हैं। वहीं अगर राजभर बिरादरी की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी गठबंधन ने बाजी मारी है। सपा गठबंधन से 3 राजभर जीत कर आए हैं, जबकि बीजेपी से 1, भूमियार बिरादरी से 5 विधायक बने हैं, जिसमें से 4 बीजेपी से और 1 समाजवादी पार्टी गठबंधन से है। दलितों की धोबी बिरादरी की बात करें तो बीजेपी से 4 विधायक जीते हैं और वहीं खटीक जाति से 5 विधायक जीत कर आए हैं, जिसमें 4 बीजेपी से और 1 सपा गठबंधन से है। कायस्थ जाति से 3 विधायक जीते हैं, ये सभी बीजेपी से हैं। वहीं अगर वाल्मीकि की बात करें तो वाल्मीकि जाति से 1 सीट बीजेपी को मिली है, जबकि 1 सिख विधायक भी बीजेपी से ही जीते हैं। तो ये थी वो जातिगत सारी जानकारी जो इस बार 2022 के चुनाव में जीत कर चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं। अब यूपी की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक।